तत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमारी जिंदगी बदल दी। राष्ट्रनायक, योगनायक, मोकनायक, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, राष्ट्रमाता युगनायक रमाबाई अंबेडकर, माता रमाईचा, माता रमाईचा। पर कब्जा करो, हुक्मरान बनो, पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनो, कलेक्टर बनो। एक पीढ़ी तो बन गई और दूसरी पीढ़ी उसके बदौलत धीरे 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 पीछे की ओर आ गए। चलिए इस भीम सकाड़ को वैचारिक आंदोलन के भीम सकाड़ करते हैं और सभी लोग अपने जगह पर खड़े होकर, स्तब्ध खड़े होकर सबसे पहले हम बुद्ध को वंदन करते हैं और बुद्ध वंदना करते हैं। सभी से निवेदन है कि अपने अपने जगह पर आप लोग खड़े रहे और सभी लोग अपने आप को छोटा बड़ा न समझते हुए हाथ जोड़कर खड़े रहे और एक आवाज में, क्योंकि हमारे सामने नामांतर चौक है, इसीलिए सब लोगों ने आवाज निकालकर पंचशील एक साथ कहना है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयापि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयापि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयापि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयापि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयापि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयापि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामे सुमिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, सुरामीरय मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, सप्पापस्य अकरणं कुशलसौपसंपदा सचीत परियोदपनं हेतं बुद्धानशासनं, साधु साधु साधु। मुन्ना सा 5.5 किलो वजन का एक और एंकर मेरे साथ खड़ा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चे उभर कर सामने आए। आप लोगों ने देखा होगा कि रैपर में सबसे ज्यादा अगर किसी समाज के बच्चे आ रहे तो अंबेडकर ही समाज के बच्चे आगे आ रहे। उन सभी लोगों के लिए एक बार जोर से तालियां बजाएं। और कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता,
कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, और आग तेरे दिल में ना सही मेरे दिल में ही सही, लेकिन आग जरूर लगना चाहिए, तेरा घर नहीं मेरा घर नहीं, तेरा घर नहीं मेरा घर नहीं, लेकिन साला दुश्मनों का घर जरूर जलना चाहिए। उम्मीद के साथ इस बुद्ध वंदना के बाद भीम सकार 10.0 को आरंभ करते हुए जोर से कहते हैं जय भीम। हेलो, जय भीम भाई, सबको पहले तो करेंगे काम मिला तो बुरा भी लगा अच्छा भी लगा कि मैं आप लोग जब एंजॉय करते हो, मैं और मेरी टीम जो आपको शूट करते हैं वो नहीं कर पाऊंगा, बट एंकरिंग करने मिलेगा तो इतने स्टेज पे खड़े हो गए, वो भी उत्तर नागपुर में जहाँ पे पूरे क्रांतिकारी लोग मिलते हैं, जय भीम वाले, मानते हो कि नहीं? बोलो जय भीम। तो भाई जब मैंने पहली बार एंकरिंग किया था ना, तो उसके कुछ टाइम पहले मैंने एक शो में एक शायरी सुना था, वो हर साल मैं जब भी एंकरिंग करता हूँ तो बोलता हूँ कि मेरे आंगन का नीम का पेड़, मेरे आंगन का नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं, और उत्तर नागपुर में बसा ये लश्करी बाग किसी लंदन से कम नहीं, क्योंकि भाई जय भीम वालों का अलग ही पावर है कि उत्तर नागपुर, मानते हो कि नहीं भाई? अगर भारत देश में या कहीं पे भी जय भीम वालों पे कोई आग उठाता है या उंगली उठाता है तो सबसे पहले आग कहां से भड़कती है? उत्तर नागपुर से भड़कती है कि नहीं? तो भाई देखो 10वां भीम सकार नागपुर का लास्ट टाइम आपने देखे होंगे उत्तर नागपुर में कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, पब्लिक की कोई टेंशन ही नहीं है और एनर्जी की भी टेंशन नहीं है बॉस, तो आज एनर्जी बनाए रखना क्योंकि उत्तर नागपुर है, तो लाइनअप तो हम लोग ऐसा नॉर्मल तो रखेंगे नहीं, बवाल लाइनअप है, आप नाचोगे भी आप सुनोगे भी, क्योंकि भीम सकार सिर्फ नाचने के लिए नहीं है, मानते हो कि नहीं? तो बस भाई वही करने का अपने को, शस्त्र ने वार नहीं बुद्धि ने वार करा रे, मनुवादी संस्कृति ला एक ही ने ठार करा रे, करा रे वा।